نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھتے جائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام شعراء اعظام میرے سامنے بیٹھے بزرگان محترم عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے آخرت میں جانے کے لیے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ آخرت میں ضرور جائے گا اس سے قبل ہم بڑی درد بھرے انداز میں نعت رسول سماعت کر رہے تھے یقیناً نعت پڑھنا اور نعت سننا بھی ایک عبادت ہے ہمارے استاذ محترم تھے حضرت مولانا ضمیر الاسلام صاحب نوکٹا کے جو وپریت مدرسے میں ایک لمبے عرصے تک رہے اور میں حضرت کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک اسٹیج میں بیٹھتا رہا تو مدرسے میں ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگا کر اطمینان سے بیٹھ کر نعت سنتے تھے اور یوں کہتے تھے بچوں نعت سننا بھی ایک عبادت ہے نعت سننا بھی ایک عبادت ہے اور نعت میں سب سے زیادہ عشق رسول بیان کیا جاتا ہے اور تقریر میں عشق رسول کی تشریح بیان کی جاتی ہے تو نعت سننا بھی نعت پڑھنا بھی ایک عبادت ہے اور بیٹھ کر ان نعتوں کی تشریح اور تفصیل سننا یہ ہم اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اگر اجازت ہو تو دو مصرے میں پیش کرتا ہوں
इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। एक आखिरी मिसरा पढ़ो। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क़ कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ए इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूर ऐसा नहीं कि मैंने शौक से सुना दिया। असल हजरत खाजी साहब के नाच से और रहबर साहब के नाच से मैं आप जुदा हो गया था, आंसू झलक गए। तो मैंने जो दुरूद पढ़ा ना और मेरे साथ आप हजरात भी दुरूद पढ़े, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है फरिश्ते एडवांस वहीं से पैक करके पार्सल फौरन मेरे पास रोजे अकदस में पहुंचा देते हैं। जितनी मरतबा आप दुरूद पढ़ेंगे फरिश्ते बराबर ले जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं कि आपके फुला उम्मती ने फुला मकाम पर बैठकर आप पर दुरूद पढ़ा है। इसलिए हमारा दुरूद और दुरूद वही पड़ेगा जिसके दिल में इश्क नबी होगा। इसलिए मैंने कहा कि जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको ऐसी नींद सुला जाना। कभी ऐसी नींद हमको आए जिस ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। और रसूलुल्लाह के दीदार होने का बेहतरीन जरिया यह है जो जितनी ज्यादा दुरूद पढ़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के ख्वाब में मौके उतने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा रहेंगे। बुजुर्गो मैं आप हजरात के सामने मुख्तसर वक्त में कुछ अमली बातें पेश कर रहा हूं। हम और आप जो इस दुनिया में जी रहे हैं, हमारी जो एक मुतवसित जिंदगी है, हमारी जो हयात है, हम 50 साल 60 साल की जिंदगी वाले, उससे ऊपर अगर कोई चला जाता है तो मेहरबानी है रब्बे परवरदिगार की कि उसके ले जा रहा है, वरना हम अपनी नजरों से समाज में माशरे में और जमीनी सतह पर देख रहे हैं कि 60 साल तक बहुत सारे हजरात चले जाते हैं। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। अगर एक आदमी की जिंदगी 60 साल की हो तो किसी एक माहिर ने इसको कैलकुलेशन किया है,
गौर कीजिए, आदमी जब बात को समझेगा तो दिल में बात उतरेगी, और अगर समझेगा नहीं तो बात दिल में उतरेगी नहीं। एक आदमी की जिंदगी अगर 60 साल की हो तो मिनट के एतबार से उसकी जिंदगी इस तरह बनती है, 60 साल की जिंदगी 31,53,06,000 मिनट बनते हैं। 31,53,06,000 मिनट बनते हैं 60 साल की जिंदगी वाले का। अब इस 31,53,06,000 मिनट में से इबादत कितने मिनट की होती है, वो है 5,47,500 मिनट। 5,47,500 मिनट बंदे के इबादत के लिए है। अब इसको और हम मोटा करके बयान करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,47,500 मिनट के एक साल एक महीना बनता है, यानी 13 महीने। 60 साल की जिंदगी पाने वाला इंसान से अल्लाह तबारक व तआला इबादत का जो वक्त मांगता है वो सिर्फ 13 महीने। 60 साल में सिर्फ 13 महीने हमें इबादत करनी है, और इस 13 महीने की हमें इसका हिसाब देना है, और अल्लाह तबारक व तआला इन 13 महीनों की इबादत के एवरेज का जर्रे जर्रे का रब्बे परवरदिगार हिसाब देगा। और जब तक बंदा हिसाब नहीं देगा तब तक अल्लाह तबारक व तआला की अदालत से वो हट नहीं पाएगा। ये बात अलग है कि रब्बे परवरदिगार बिना हिसाब किताब 70,000 लोगों को माफ करेंगे, मगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, जो दुनिया के आखिरी तक एक आखिरी इंसान आएगा, करोड़ इंसान वहां मौजूद रहेंगे, उनमें से 70,000 को रब्बे परवरदिगार अगर बिना हिसाबो किताब जन्नत में डाल दे तो उसका इख्तियार है, वो परवरदिगार के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा और आप कभी नाम आ जाए, ये जरूरी तो है नहीं। वो रब किसको माफ करेगा वो जानता है, कोई जरूरी नहीं। इसलिए हम और आपको अपनी जिंदगी का हिसाब करना चाहिए कि जिस तरह सिर्फ 60 साल की जिंदगी में हमें सिर्फ 13 महीने इबादत के हिसाब रब्बे परवरदिगार को देना है, तो ये 13 महीने हमारे जाये नहीं होने चाहिए। और बुजुर्गों एक बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला अगर बंदे का हिसाब करने पर आ जाए ना तो फिर बंदा किसी भी हाल में छूट नहीं सकता, इसलिए कि रब्बे परवरदिगार जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा पारा में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ हजरत इंसान, जब तुम मेरी अदालत में आओगे, अगर मैं इंसाफ करने पर आ जाऊं तो तुम्हारी जिंदगी के जर्रे जर्रे का मैं हिसाब लूंगा। दुनिया में अगर तुम एक जर्रा बराबर नेकी करके आए हो गए, कयामत के दिन उसको देखोगे, अगर जर्रा बराबर गुनाह करके आओगे हशर में उसको देखोगे। अमल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा, हु असल है वो तो तशकीद की वजह से पढ़ा जाता है खैरन यरा, वरना वो असल में है फमन यअमल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा हु। और ये अरबी का जुमला है, उलमा समझते हैं कि यरा हु का तर्जुमा है देखना, और देखा वो जाता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। अब हमारे सामने 2-3-4 कैमरे लगे हैं, और हमारे लेफ्ट राइट में लोग कैमरे में हमको देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि यहां पर टेलीकास्ट हो रहा है या वीडियो हो रहा है, ऑडियो नहीं। ऑडियो तो
सुना जाता है और वीडियो देखा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसको देखोगे। बुजुर्गों अब आप अंदाजा लगाइए, अगर बंदा कयामत के दिन अपने अमल को देखेगा तो उस वक्त उसका क्या आलम होगा कि दुनिया में उन्होंने क्या क्या करके गया है। वो हशर के मैदान में सारी चीजों को देखेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन पर हजरत इंसान के ऊपर गोया के कैमरा फिट करके रखा है और इसकी जिंदगी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत इंसान का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करेगा और चालू करके परवरदिगार उसको उसका अमल दिखला देगा। इसी को कुरान में अल्लाह ने फरमाया है जर्रा बराबर खैर करोगे उसे देखोगे, जर्रा बराबर शर करोगे उसे देखोगे। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उसके सामने फैला देगा, किताब उसके सामने फैला देगा। अल्लाह जल्ल जलालू अमन वालू फरमाएगा इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। ओ हजरत इंसान, दुनिया से तू कैसी जिंदगी गुजार के आया, आज मुझे टोटल मारने की जरूरत नहीं, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तू जन्नती है या जहन्नमी, पढ़ अपनी किताब और टोटल मार कर लास्ट में तू खुद फैसला कर कि तू जन्नत में जाने का लायक या जहन्नम में जाने का लायक है। इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, काफी है तू आज अपने आप के ऊपर हिसाब करने के एतबार से। वो बंदे खुदा नामे अमाल को देखेगा, देखकर हैरान हो जाएगा मेरी जिंदगी का हर अमल इस किताब में लिखा हुआ है, मैंने जर्रा बराबर अगर कभी नेकी की थी वो उस किताब के अंदर मौजूद है, अगर जर्रा बराबर मैंने कहीं पर गुनाह किया था तो उस किताब के अंदर मौजूद है। जब सारी चीजों को एक तरफ से देखता जाएगा, एक तरफ से देखता जाएगा तो ताज्जुब के अंदाज में कहेगा जिसको रब्बे परवरदिगार ने कुरान में नकल किया है, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अंसाहा। कैसी किताब है, कायनात में मेरी जिंदगी की कोई न छोटी चीज छोड़ी गई न कोई बड़ी चीज छोड़ी गई इस किताब के अंदर मौजूद है। माली हाजल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कैसी किताब है, इन जिंदगी के हर लम्हे को इस किताब के अंदर नोट कर दिया गया है। इसलिए बुजुर्गों कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत इंसान का ऐसा हिसाब करेगा। और ये बात याद रखिए बुजुर्गों, दुनिया में चाहे अरबी में कुरान के अल्फाज, कुरान के सफात, कुरान के रुकू, कुरान के पारे, कुरान की मंजिल पढ़ने के लायक हो या ना हो, जिस दिन उसका इंतकाल होगा और लोग दफन करके कब्र में वापस जब आएंगे तभी से वो अरबी जब बोलना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिक और भी पढ़ा लिखा हो जाएगा कब्र में, क्योंकि कब्र में सवाल अरबी में होगा और मुर्दा भी जवाब अरबी में देगा। और कल मैंने इस पर बड़ी तफसील और डिटेल के साथ मैंने इसको बयान दिया, सब पढ़ा लिखा हो जाएगा। हशर के मैदान में भी अपनी किताब अपना नामे अमाल सब कोई पढ़ेंगे। तब तो अल्लाह ने फरमाया इकरा, इकरा का माना पढ़ो,
इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी जो सूरत है, जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई, उसका पहला वर्ड, पहला जुमला जो है वो इकरा है, जिसका माना है पढ़ो। तो अल्लाह तबारक व तआला भी कयामत के दिन हजरत इंसान के सामने नामे आमाल को खोल कर फरमाएगा, इकरा किताबक, पढ़ते जा अपनी किताब। इससे अंदाजा हुआ कि हशर के मैदान में सब पढ़ा लिखा हो जाए। एक बात तो ये है, मेरे बयान को कई पांच समझकर आप सुनिए तो बात की सेटिंग भी होगी और बात याद भी रहेगी और बात समझ में भी आएगी। अब अगर हमें हशर के मैदान में ऐसा मंजर अगर देखना है तो फिर दुनिया में हमें करना क्या है? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात का सबसे बड़ा अकलमंद इंसान, सबसे बड़ा होशियार इंसान वो है जो मरने के बाद की तैयारी मरने से पहले करे, सबसे बड़ा अकलमंद है। अगर दुनिया में कोई वजीर आजम है, अगर दुनिया में कोई गवर्नर है, दुनिया में अगर कोई प्रधान है, दुनिया में अगर कोई मेंबर है, दुनिया में कितना भी बड़ा सियासतदान हो जाए, कितना भी बड़ा पावर वाला हो जाए, कायनात के अंदर कितना भी बड़ा होने वाला हो जाए, जमीन और जायदाद वाला हो जाए, बैंक बैलेंस वाला हो जाए, रुपए पैसे वाला हो जाए, अपनी जबान की कीमत वाला हो जाए, बहुत बड़ा धांस जमाने वाला हो जाए, या जमीन पर बहुत बड़ा अहले इलम हो जाए, चाहे जहाज चलाने वाला हो, रॉकेट चलाने वाला हो, ट्रेन चलाने वाला हो, जमीन की तह तक चीजों का पता लगा लेने वाला हो, सूरज और चांद के चलने के मेयार को नाप लेने वाला हो, सितारों और सैयारों के घूमने के मदार को जान लेने वाला हो, अगर उसने कब्र की तैयारी नहीं की तो रुए जमीन में आंखें बंद होने के बाद कब्र में जाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब, बच्ची नजर, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मेरी एक राय है, बयान में नारे ना बातें अभी दिल में उतारने की है। हम कोई रिवायत की तकरीर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठे, समझे बुजुर्गों? एक बार नहीं 10 बार सुनिए इसको। अगर तैयारी नहीं हुई ना, मेरी अगर तैयारी नहीं हुई, या मुफ्ती अबुल कलाम बोल रहा है स्टेज में बैठकर इतने बड़े मजमे के सामने और इतने अकाबरीन उलमा के सामने, अगर मेरी तैयारी कबर की न हुई ना तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। बुजुर्गो, ये हर एक शख्स अपने ऊपर फिट करे, हर छोटा हर बड़ा, हर मर्द हर औरत अपने ऊपर फिट करे। आप जितने भी समझदार हो जाएं, आप अपनी जगह है, अगर कबर की तैयारी ना हुई तो कबर में जाने के बाद उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कबर में जाने के बाद यूं तमन्ना करेगा, दिल दिल में सोचेगा, यूं आवाज लगाएगा, फर्जियना नमल सालिहं इन्ना मुकिनून। कबर में आने के बाद सारी हकीकतें मेरे ऊपर खुल गई, मैंने बरज़ख का आलम देख लिया, हशर का आलम मैं देखने जा रहा हूँ, मैंने दुनिया में कोई तैयारी नहीं की, है रब्बे परवरदिगार मुझे एक मर्तबा दुनिया में लौटा दे, फर्जियना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। एक मर्तबा मुझे दुनिया में लौटा दे, मैं नेक अमाल करके आऊंगा, बुरे अमाल जिंदगी से छोड़ दूंगा, इसलिए कि कब्र में आने के बाद मुझे यकीन आ गया। कुरान कहता है, और कुरान जो खबर देना वो कोई न्यूज चैनल नहीं है, वो ऐसा न्यूज है कुरान का जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप उस न्यूज के खबरों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। कुरान कहता है
तीन जगह कुरान में अल्लाह पाक ने इस मंजर को बयान किया है कि हशर के मैदान से कुछ लोग दोबारा वापस आने की तमन्ना जाहिर करेंगे। परवरदिगार एक बार लौटा दे मुझे, नामल सालिहन आमाले सालिहा करके आऊंगा मैं, इन्ना मुकिनून, इसलिए कि अब हमें यकीन हो गया। अब वहां यकीन होने के बाद दोबारा वो दुनिया में आ सकता है बुजुर्गो? अगर वहां पर मेरे साथ ये हालत पेश आ जाए तो मैं वापस नहीं आ सकता, आपके साथ अगर ये हालत पेश आ जाए तो आप वापस नहीं आ सकते। मां पहले भी गौर से सुने, आप भी जलसा सुनने के लिए और समझने के लिए आई हैं, अगर आप भी कब्र में फंस गई तो दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक सब कुछ करने का मौका मिलता है, बच्चों को जगाना, बच्चों को नहलाना, बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाना, बच्चों को बेहतरीन नाश्ता कराना, उसका बैग बस्ता तैयार करके देना, उसका जूता मोजा पहनाकर बांध के देना, उसके गले में टाई लगा के देना, उसके पीठ में बैग लगा के देना, बैग में सारे किताब और सारे रबर पेंसिल शार्पनर सारी चीजों को ओके करके माँ देती है और फिर ले जाकर उसको या तो बाप के साथ बाइक में बिठा देती है या स्कूल की गाड़ी आती है वैन में बिठा देती है। ये काम माँ ने कर लिया, उसके बाद कपड़ा धोने लग गई, उसके बाद घर की सफाई में लग गई, उसके बाद खाना पकाने में लग गई, उसके बाद और दीगर जरूरियात, शाम तक सब कुछ हो रहा है, सिर्फ नमाज नहीं हो रही है, सिर्फ नमाज नहीं हो रही है। और उससे पूछा जाता है कि जी नमाज क्यों नहीं पढ़ी आपने, तो वो क्या कहती है, टाइम नहीं मिला। हा हा हा, 24 घंटे की जिंदगी रब्बे परवरदिगार अगर पूछ लिया कयामत के दिन कि सुबह से शाम तक मैंने तुझे टाइम दिया था, अगर तू आज कह रही है कि मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मुझे रब्बुल आलमीन को तू झुठला रही है। मैं बेईमान हूं ना उज़ुबिल्लाह, मैंने टाइम नहीं दिया था, ओ मेरी बंदी मैंने कब तुझे बिस्तर में सुला के रखा, ए मेरी बंदी सुबह से शाम तक मैं तुझे पागल बना के कहां रखा, ए मेरी बंदी मैंने तुझे लंगड़ी बनाकर क्यों रखा, कहां रखा, मैंने तो सही सालिम रखा था सुबह से शाम तक, सब कुछ तेरे काम हुए, अगर ना हुआ तो नमाज न हुई। فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, سب تمنا کریں گے پروردگار ایک بار دنیا میں جانے کا موقع دے دے, ہم کو یقین آ گیا عمل صالحہ کر کے آئیں گے, کسی کو موقع دوبارہ دنیا میں آنے کا نہیں ملے گا۔ अब कहेंगे जी हमारे साथ तो मजबूरियां है, मर्दों के साथ खेत में मजबूरियां है, मर्दों के साथ और दीगर चीजों की मजबूरियां है, औरतों और माँ और बहनों के साथ घर के काम काज और मसरूफियात की मजबूरियां है, सारी चीजें अलग है, सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन रब्बे परवरदिगार ने हम और आपको पैदा किया है अपनी इबादत के। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, तुम्हें दुनिया में भेजने का मेरा कोई मकसद नहीं, सिर्फ मकसद ये है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी ताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो, अच्छी जिंदगी बना कराओ, रब चाही जिंदगी गुजार कराओ, मन चाही जिंदगी गुजार करना। बुजुर्ग बात समझ रहे हैं, माँ और बहने बातें समझ रही हैं, मौका मिला है आपको यहां पर बैठकर सुनने और समझने का, नोट कर लीजिए अपने जहन दिमाग में, कयामत के दिन आपका बाजू में सोने वाला प्यारा शोहर कयामत के दिन रास्ता काट कर निकल जाएगा। वो बच्चे जिनके आज पेशाब पाखाना धोने में आपको टाइम नहीं मिलता है, वही बच्चे उस दिन अलग से रास्ता काट कर निकल जाएगा। يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ هر انسان کو اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔
कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने दो जगह इरशाद फरमाया, जब मेरी अदालत लगेगी तो जमघटे में हिसाब नहीं होगा, भीड़ भाड़ में हिसाब नहीं होगा, मैं अपनी अदालत में कायनात के एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके नाम के साथ और उसके बाप के नाम के साथ मैं अलग अलग तन्हा तन्हा अदालत में बुलाऊंगा। जमघटे में हिसाब नहीं होगा। जी कोई छूट गया, लिस्ट में किसका नाम नहीं रहा, कोई दीवार के पीछे छुप गया, कोई मट्टी के नीचे दब गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये ख्याल भी ना करे कि जिस जमाने गुजर जाएंगे कब्रस्तान में और हमारी हमारे गोश्त पोश और हड्डियां मट्टी में मिलकर बिखर जाएंगी, अब कौन सा जिंदा होना है हमें और कौन सी जिंदगी हमें देखनी है, किसने दोबारा जिंदगी देखा है, कौन आज तक हमारे पास कोई तारीख मौजूद नहीं है कि कोई दोबारा जिंदा हुआ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के सूरह काफ में बयान फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ बंदा जब तू कब्र में चला जाएगा तेरी हड्डियां गोश्त पोश मिट्टी के जर्रों में बिखर जाएंगे, मिल जाएंगे, तेरा गुमान ये होगा हम अब कैसे जिंदा हो सकते हैं, हमें मिट्टी के जर्रों से कौन बिखर के निकालेगा, कौन चुन चुन कर निकालेगा, कौन हमें जिंदा करेगा। रब्बे परवरदिगार ने उसका जवाब दिया है कि ऐ इंसान इतनी गफलत में न रहा कर, खबर के मिट्टी के जिन जर्रों में तुम मिल गए हो मैं उन जर्रों को रब्बे परवरदिगार जानता हूँ, कयामत के दिन जब मुझे जिंदा करना होगा मैं उन जर्रों को हुक्म दूंगा, आर्डर दूंगा, वो जर्रे तुम्हें पहाड़ फेंकेंगे, तुम्हारे सारे अज्जा एक जगह जमा हो जाएंगे, फिर मेरे हुक्म से तुम जिंदा होकर खड़े हो जाओगे। कुरान करीम सूरे काफ में अल्लाह पाक ने बयान किया। इसलिए बुजुर्गों, गफलत की जिंदगी कभी ना गुजारे। सुन रहे मेरी बात, मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं आप, एक चीज है मेरे हाथ में, देख रहे हैं है बच्चों, मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसमें है क्या, क्या है, कुछ लोग कह रहे खाली है, मैं इसलिए हाथ उठाया ताकि सब मेरे तरफ देखें। देख लिए ना, पैगाम सुनकर जाइए, आज से अपनी जिंदगी के रुख को बदलने की कोशिश कीजिए, बदलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुना, लतीफा ने सच्चा किस्सा सुना रहा हूं, छोटा सा, और ये हमारे इलाके का किस्सा है, किसी इलाके का किस्सा है, गांव का बस्ती का आदमी का नाम नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर, मैं तो हैरान हुआ कि वलीउल्लाह इस जमीन पर भी मौजूद है, और हम समझते हैं कि वली बुजुर्ग और पीर मर्द बनते हैं, नहीं, औरतें भी पीर मौजूद है, पीरनी भी हमारे इलाके में मौजूद है। और वो इस तरह है कि एक लड़की के यहाँ माँ और बहने गौर से सुने, और जो मर्द हजरात है वो घर में बयान करें। एक लड़की का रिश्ता आया तो दूल्हा आया सूट बूट में शानदार, एकदम जूता मोजा एकदम कलम लगाकर शानदार, बाल में कंघी करके बेहतरीन क्रीम लगाकर खुशबू और सेंट लगाकर आया, और आया बड़े घर में आया, वो खुद डॉक्टर था, वो खुद क्लिनिक चलाता था एक बड़े चौक में। लड़की सिर्फ दसवीं पढ़ी लिखी है, बस एसएससी की हुई है बस, और एसएससी पास है। तो इस तरह की हमारे इलाके का रिवाज क्या है कि खाना पीना खिलाने के बाद लड़की को दिखाना रहता है तो उसको चाय या पान या सुपारी लेकर आगे भेजते हैं, ताकि लड़की को आने वाला लड़का देख ले और अगर कुछ पूछना हो तो उससे पूछ ले, क्योंकि लड़का तो आता ही है देखने के लिए। तो लड़का ने लड़की से एक बात पूछ ली, जब लड़की आई सामने तो लड़का ने लड़की से एक बात पूछ ली कि आप कितना पढ़ी लिखी है, कहने लगा कि मैं दसवीं पास हूं, सिर्फ दसवीं पास हूं, उन्होंने सच्ची बताई दसवीं पास हूं। तो लड़का ने कहा कि एक कापी और एक कलम लेकर आइए। तो लड़की ने कहा क्यों, लड़की ने कहा क्यों, कहने लगा मुझे कुछ मैं कुछ बताऊंगा और वो आपको लिखना पड़ेगा। अब हमारे तरफ के लड़के हो या लड़कियां हो, वो दसवीं अगर पास कर लेती है मैथमेटिक, एसएससी अगर पास कर लेती है, तो उसकी सलाहियत का क्या अंदाजा होता है, वो जो लड़कियां बैठी है ना वो कुछ जानती है,
और करम अल्लाह के अल्लाह का के लड़कियां किसी दर्जा ठीक है, लड़के जो यहाँ बैठे हैं ना, अगर इनसे कहा जाए इंटरनेशनल लिख के बताओ, हमारा तजर्बा है, हमने बोला है, लिखवाया है, लिखवाया है बाजाबता हमारे खानदान के लड़कों से, दसवीं पढ़ लिया और इंटरनेशनल नहीं लिख पा रहा है बेचारा। अब लड़की कितनी सलाहियत की होगी, लेकिन लड़की मेहनत लिखी उसके आखिरी जवाब से पता चला कि वो पढ़ी है तो अच्छा पढ़ी लिखी है। तो लड़का ने कहा कि कलम और कापी लेकर क्या हो, लड़की ने कहा कि हम करते कुछ बोलूंगा वो आपको लिखना पड़ेगा, उसको असल में टेस्ट लेना था, आजमाना था कि ये इसकी सलाहियत कितनी है। तो लड़की ने कहा मैं नहीं लाते। अब रिश्ते की बात है, ये जवाब लड़कियों के जबान से इतना आसान नहीं है कि मैं कापी कलम नहीं लाती। लड़की ने झट से कह दिया ठीक है, मेरा भी आपसे एक सवाल है, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं कापी और कलम लेकर आऊंगी और आप जो बोलोगे मैं लिख लूंगी। तो ठीक है, अगर लड़का को लड़की से पूछने का हक है तो लड़की को लड़का से पूछने का हक नहीं है, तो जबरदस्त जुल्म है हमारे तरफ। वो लड़की सर झुका के यूं खड़ी रहती है और हर सवाल का जवाब देती रहती है, तो कौन सा तरीका? लड़की भी लड़का है, आजमाए लड़के को वो कितना पानी का है, अपना एक बेहतरीन जिंदगी वजूद में आएगी। लड़की ने सवाल कर लिया, सर झुकाकर शर्माती हुई कहने लगी आज का तुलुए फजर कितने बजे? क्या भाई समझे? आज का तुलुए फजर, मेरे ख्याल से ये जुमला यहां भी समझे कि नहीं समझे। तुलुए फजर किसको कहते हैं? तुलुए शम्स नहीं, तुलुए शम्स का मतलब बेला कितने बजे निकलता है, और तुलुए फजर का मतलब के रात खत्म होती है और फजर का टाइम शुरू होता है जब हम अजान दे सकते हैं। जब टाइम हो गया फजर की अजान दे सकते हैं, आज का तुलुए फजर कितने बजे है बता देगा मास्टर साहब? डॉक्टर साहब खामोश हो गए और रिश्ता टूट गया, नहीं हुआ रिश्ता। लड़की के दिल में तमन्ना थी, एक बेहतरीन हाफिज कुरान से उसका रिश्ता हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, देखने और सुनने के बाद मेरे समझ में बात आया कि जी ये कुर्सियों और स्टेज पे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बात करके अपने आप को जन्नत का ठेकेदार न समझो, वरना घर में और झोपड़े में घर के कोने में भी मुसल्ला बिछाकर रब के कोई आशिका मौजूद है। दरगाहों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर और तबलीगी मरकजों में बैठकर पीर साहब मौजूद है, लेकिन इलाके के अंदर ही किसी झोपड़े के कोने में मुसल्ले में कोई पीरनी भी मौजूद है। इसलिए बुजुर्गो हम शिकायत और बुराई में नहीं कर रहे हैं, हम में से हर एक को अपनी जिंदगी का रुख सही करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे अहम मसला है तौबा। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, तौबा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा हाथ उठाता है, कोई बंदी हाथ उठाती है और हाथ उठाकर रब्बे परवरदिगार के सामने रोती है रोता है, रोते हैं रोती है और उसके आंखों से आंसू झलकते हैं, और एक आदमी बैठ कर तस्बीह में सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहा है तो उससे इसका अमल ज्यादा बेहतर है। हाथ उठाकर रब के सामने रो रहे हैं तो किसी के तस्बीह जबान से पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर अमल है। और अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़े से बड़े गुनहगारों को अल्लाह तबारक व ताला माफ कर देता है। मैंने खुतबे में जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा यह है कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके, नाफरमानी करके, गफलत करके अपनी जिंदगी के ऊपर, जान के ऊपर जुल्म कर लिया है, मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रब तो गफूर रहीम है। आ जाओ, बंदा जब गुनाह करता है तो परवरदिगार आलम उसका इंतजार करता है। सुन रहे बुजुर्गो, जब बंदा या बंदी गुनाह करते हैं तो परवरदिगार आलम उसका इंतजार करता है। हो सकता है कि सुबह का भटका हुआ बंदा शाम को तौबा करके वापस आ जाए। अल्लाह इंतजार करता है बंदे का और हम दो मिनट नमाज का इंतजार नहीं करते। अल्लाह, बच्चों सुन रहे हो,
मैं क्या कह रहा हूं, कोई लच्छेदार तकरीर की नियत से ना बैठा करो यहां। अगर बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह इंतजार करता है, वाह अल्लाह इंतजार करेगा। वो रब अगर चाहे तो हमारे गुनाहों पर उठाकर पटक के मार दे, ये उसकी शान है, उसकी कुदरत है, उसको इख्तियार है। लेकिन वो परवरदिगार गुनहगार बंदे के तौबा का इंतजार करता है। और याद रहे रब्बे परवरदिगार इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, 70 माओ से भी ज्यादा परवरदिगार अपने गुनहगार बंदे के तौबा का मोहब्बत से इंतजार करता है। सुन रहे बात को, और इसकी दलील क्या है? एक जंग से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम वापस आए, कैदी पकड़ के लाए गए, मर्द भी आए औरतें भी पकड़ के लाई गई। जंग से मैदान जंग में कुफर इस्लाम की अगर लड़ाई हो, अगर मुसलमानों के हाथ मर्द अगर आ जाए तो उसको गुलाम कहते हैं, औरतें अगर गिरफ्तार करके लाई जाए तो उसको बांदी कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम जंग से वापस आए तो एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा भी मैदान जंग में मिला, सहाबा किराम गोद में उठा कर लेके आ गए। सुने मदीने के बस्ती में माले गनीमत जमा हो गया है, इधर कैदी मर्द बैठे हैं, इधर कैदी औरतें बैठे हैं, और एक सहाबी के गोद में इतना छोटा सा बच्चा मैदाने जंग में कोई छोड़ के चला गया होगा, जान बचाकर भाग गया होगा, अपने बच्चे की फिक्र ना हुई होगी। सहाबा के हाथ लग गया बच्चा, वो बच्चे को लेकर मदीने के बस्ती में आ गए। उधर से दौड़ती हुई एक औरत आ रही है, सीना पीटती हुई एक औरत आ रही है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरे दिल का टुकड़ा, हाय मेरे जिगर गोशा, मेरे बच्चे को अगर तुमने गिरफ्तार किया है, अगर मेरा बच्चा तुम्हारे माले गनीमत में आ गया तो मेरे बच्चे को तुम पर आए करम वापस कर दो। मदीने के बस्ती में आके कोहराम मचा रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया, और मेरे सहाबाओं देखो, अगर कोई बच्चा मैदाने जंग से उठा कर लाए हो मेरे पास लेकर आओ। एक सहाबी गोद में दबाकर बड़े प्यारे और हसीन अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम के गोद में ला कर दे दिए, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे को यूं ऊपर उठाए और उठाकर यूं कहने लगे, आओ औरत बता क्या यही बच्चा तुम्हारा है? औरत कहने लगी, हाँ हाँ यही मेरा बच्चा है, यही मेरे दिल का टुकड़ा है। औरत भागती हुई आई और बच्चे को लेकर अपने सीने में देर तक दबाकर रोती रही, इसलिए कि उनको उसका बच्चा मिल गया, उसको अपना लाडला मिल गया, उसको अपने जिगर का टुकड़ा मिल गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, ऐ औरत इधर खड़ी हो जा, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब दे। अगर तेरे गोद से मैं इस बच्चा को छीन लूं और छीन कर मैं इसको आग में डाल दूं तो क्या तुम बर्दाश्त करोगी? कौन माँ है जो ये नजारा देख सके? कौन माँ है जो ये मंजर देख सके? माँ मिला गई, दिल मिला गई, नहीं नहीं कभी नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती? माँ की मोहब्बत, माँ की ममता गालिब आ गई और बच्चे को जोरदार चबा दबा कर उसका पोसा लेने लगी, प्यार करने लगी। नबी ने सहाबा से फरमाया, और मेरे सहाबा मेरे तरफ देखो, जिस तरह इस बच्चे से माँ को और माँ से माँ को बच्चे से प्यार है, कितना प्यार है, कितना प्यार है, कि अगर इस बच्चे को आग में डाल लेता हूँ तो इसकी माँ तैयार नहीं, इसकी मोहब्बत बच्चे पर इतनी है। लेकिन सहाबा एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारा परवरदिगार इस माँ से 70 गुना ज्यादा हर एक बंदे से प्यार करता है। दलील है, उठाकर पढ़िए सीरत की किताब। उस औरत से वो जो जुमला कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना जमात में जाकर या तकरीरों में, या बोलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है बंदे से, उसकी दलील ये। और ये उस वक्त ये वाकया पेश आया, उस वक्त वाकया पेश आया।
मुकम्मल कर दे ताकि दो वाकिया है मेरे, एक मेरा एक आपका। चलिए आपकी साथ बयान करो, मेरा वाकया छोड़ देता हूँ, मुफ्ती साहब का वाकया बयान करो। वहां शमीम साहब ये हमारे बड़े हैं। अच्छा एक बात कह देता हूँ, ये अभी चल रहा है 2021 तालिबान 1998 में कोई जलसा हुआ था, वो या आज से 23 साल पहले इसी तरह एक बड़ा जलसा हुआ था, उसमें काबिलीन उलमा शरीक थे। हजरत मौलाना जमीरुल इस्लाम साहब के साथ मैं भी आया था विपरीत मदरसे से, और उस वक्त मैंने एक नात पढ़ी थी, कदम है बिलाल आज चलने से आ रही जो अब अलविदा अलविदा है। जब मैं ये मिसरा शुरू किया तो नाजी में जलसा कहने लगे वक्त कम है छोटी नात पढ़े, तो मैंने छोटी नात पढ़ दी। छोटी नात मुकम्मल करने के बाद हजरत मौलाना जियाउर रहमान साहब इस गांव के चाचा है मौलाना अब्दुल करीम साहब के मुफ्ती मौलाना शमीम साहब, उन्होंने कहा कि बेटा वो कदम है बिलाल वो नात भी पढ़ दो। उस जमाने में मुझे 180 रुपए इनाम मिला था उस स्टेज पर, आज से 23 साल पहले आज उसी स्टेज पर बैठा हूं और कल से बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहि अलहम्द सुम्मा लिल्लाहि अलहम्द। कदम है बिलाल आज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला से फरमाया कदम है बिलाल आज चलने से आरी लो अब अलविदा हमारी। कदम है बिलाल आज, एक बीच का मिसरा से पढ़ देता हूँ, एक लंबी नात है बीच का मिसरा एक पढ़ देता हूँ। ये लो मेरा कुरान और मेरी सुन्नत, ये दिखलाएगी तुमको अब राह जन्नत, ये दिखलाएगी तुमको अब राह जन्नत। कदम है बिलाल आज। बुजुर्गो अब हम एक बड़े वक्त में पहुंच चुके हैं जिस वक्त में हमारा भी कुछ मंशा रहता है। अब तक हमने आपका मंशा पूरा किया, हम सिर्फ वाकया बयान करके माहौल बनाकर छोड़ देते हैं छोटा सा, ताकि हमारे बाद आने वाले हमारे इस मकसद को पूरा करें। एक सहाबी है हजरत सालिबा इब्ने अभी हातिब, सालिबा इब्ने अभी हातिब, बाद मुहदिसीन कहते हैं कि ये मुनाफिक थे, जाहिर ईमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि रब्बे परवरदिगार मुझे बहुत माल दे दे, मेरे लिए दुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सालबा क्या तू नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी गुजारे जो जिंदगी तुम्हारे नबी गुजारते हैं, मैं अगर एक वक्त खाता हूँ तो एक वक्त भूखा रहता हूँ, क्या तू ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। हजरत सालबा ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं माल का हक अदा करूंगा, आप मेरे लिए मालदार होने की दुआ कर दीजिए। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने हाथ उठाया और हाथ उठाकर नबी ने फरमाया ए परवरदिगार सालबा को माल अता फरमा। सालबा बकरियों का बिजनेस करने लगे, बकरियां इतनी बढ़ गई बिजनेस और कारोबार इतना तेज हो गया, इतना बढ़ गया मदीने के बस्ती में जो घर था वो घर ना काफी हो गया, इसलिए बस्ती से बाहर जमीन लेकर वहां पर अपने बकरियों की बिजनेस करने लगा। जब मदीने के बस्ती में मौजूद थे पांचों नमाजें नबी के पीछे पढ़ते थे, पांचों नमाजें अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ते थे, पांचों नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। और जब मदीने के बस्ती से बाहर चले गए जुहर और असर आने का तो मौका मिलता था, मगरिब और इशा और फजर अपने मकाम पर पढ़ लिया करते थे। मदीने के बाहर की जगह भी जब छोटी पड़ गई और उससे दूर चले गए और जाकर बकरियों के बिजनेस को फैला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के अंदर मौजूद है कीड़े मकोड़े की तरह बरकतें हो गई,
कितनी बरकतें हुई। पहले जब मदीने के अंदर थे पांचों नमाजें मस्जिद नबवी में, नबी के पीछे जब थोड़ा सा मदीने से बाहर गए तो मगरिब शाम फजर मस्जिद नबवी में नहीं आ रहे, और जब और थोड़ा उससे दूर चले गए पांचों नमाजों में मस्जिद नबवी में आने का मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ जुमा जुमा को आ रहे हैं। एक मर्तबा नमाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालबा को तलाश कर लिया, और मेरे सहाबा मैं सालबा को नहीं देख रहा हूँ, मैं नमाज के लिए मस्जिद में नहीं देख रहा, क्या बात है। सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका माल इतना बढ़ गया वो मदीने की बस्ती छोड़कर दूर चला गया, अब वो पांचों नमाजों में मस्जिद नबवी में नहीं आ रहे, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला फरमा दिया, या वैहा सालबा, हाय सालबा की हलाकत, कितनी बड़ी महरूमी। पहले नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले, अभी पांचों नमाज है वो मस्जिद नबवी के बाहर और नबी की इक्तदा से बाहर पढ़ रहे हैं। एक सहाबी ने सुन लिया, कई सहाबा, एक सहाबी ने जाके खबर दे दी, सालबा कुछ मालूम है, पांच औकात की नमाज तो वहां पढ़ते थे, रसूलुल्लाह ने तलाश कर लिया, जब माल में बिजी होने और मसरूफियत की वजह से अब आप नहीं आ रहे हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाय सालबा की हलाकत, ये फरमा दिया, ये फरमा दिया। वो बेचैन हुआ, परेशान हुआ। इसी दौरान जकात उसूल करने का जमाना आ गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिस्ट बना दी, इतनी बकरियां हो तो इतनी जकात निकलेगी, इतने ऊंट हो तो इतने जकात निकलेंगे, इतना माल हो तो इतनी जकात बनेगी। ये फहरिस्त लेकर दो सहाबी को भेज दिए, उस इलाके में दो मालदार रहते थे, एक हजरत सालबा और एक और दूसरे सहाबी। पहले हजरत सालबा के पास दोनों कासिद गए ज़कात वसूल करने के लिए और बकरियों की फहरिस्त दिखाई दिखाई तो ज़कात के एतबार से बड़ी तादाद में बकरियां निकलती है। जब सालबा ने उस लिस्ट को देखा तो देखकर उन्होंने अपनी जबान से एक जुमला यूं कहा, ये ज़कात है या टैक्स है, मेरी समझ से बाहर है, मेरे माल पर किसकी निगाह लग गई, किसकी नजर लग गई, इतना हिसाब करके भेजा है कि मुझे इतना माल फ्री में दे देना, चले जाओ आगे उनके पास ले लो। सहाबा उनके पास गए, वो सहाबी ने पूरा हिसाब के साथ माल की ज़कात निकाल कर इन दोनों सहाबी को दे दिया। जब वापस सालबा के पास आए तो सालबा यूं कहने लगे, अभी वापस चले जाओ, हम बाद में देख लेंगे। थोड़ा मुस्तनद वाकया तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मौजूद है, एक आयत करीमा के तफसीर के जिम्मे में, जो मैं दरसे कुरान तफसीर कुरान से मुंसलिक हूं तो मुझे इसके ऊंच नीच का, तसी और गलत का, सही और सही का पहचान है। वो सहाबी कहने लगे, सालबा कहने लगे, आप अभी चले जाओ, हम बाद में देख लेंगे। दोनों आमिर मदीने की बस्ती में आकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिपोर्ट दे दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फुला सहाबी ने तो ज़कात मुकम्मल दे दी मगर सालबा ने ये कहकर रद्द कर दिया कि ये ज़कात है या टैक्स है, मेरे माल पर किसकी नजर लग गई, तुम चले जाओ, बाद में देख लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया सालबा को उसके माल ने हलाक कर दिया। ये जुमला किसी सहाबी ने जाकर के सालबा को कह दिया, सालबा दौड़ते हुए आए और सर पीटते हुए आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जितना कहेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक मैं ज़कात लेकर के आ रहा हूं। एक रिवायत के अंदर यह भी मौजूद है कि बकरियों की बड़ी तादाद जो लिस्ट के अंदर उन्होंने देखा था, उम्दा उम्दा
बकरियां, हिसाब से भी ज्यादा, टारगेट से भी ज्यादा, जकात से भी ज्यादा, बड़ी तादाद में बकरियों की रेवड़ लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आ गए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल कबूल कर लीजिए, मैंने सुना कि आपने मेरे हक में बद्दुआ कर दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या साले बा खबरदार उधर खड़े रहो, जब तुमने मेरे आमिल को वापस कर दिया, मेरे ज़कात लेने वाले को तुमने वापस कर दिया, उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और मुझे यूं कह दिया कि ए मेरे नबी, अब सालबा का माल कभी भी कबूल नहीं होगा। सालबा का माल अब कबूल नहीं, मेरे रब ने मना कर दिया है, अब मैं तेरे माल की ज़कात नहीं ले सकता। रिवायत के अंदर है, वो मट्टी उठाया, उठाकर अपने सर के ऊपर डालते हुए चला गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, जमाना आया हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत का, 2 साल 2 महीने 10 दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की खिलाफत रही। सालबा पूरा माल लेकर के आया और आकर कहने लगा, मेरी ज़कात कबूल कर लीजिए अमीरुल मोमिनीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कहने लगे, जिस माल को अल्लाह ने ठुकरा दिया, जिस माल को नबी ने रद्द कर दिया, अबू बकर भी उस माल को कबूल नहीं करेगा। 2 साल 2 महीने 10 दिन की खिलाफत के बाद जमाना आया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्का, 10 साल 2 महीने 10 दिन की हुकूमत खिलाफत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्की रही। सालवा माल लेकर के आया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्की कहने लगे, जिस माल को रब्बे परवरदिगार ने रिजेक्ट कर दिया, जिस माल को नबी ने रिजेक्ट कर दिया, जिस माल को अबू बकर ने कबूल कर लिया, मैं उमर भी उस माल को कबूल नहीं कर सकता। जमाना आया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का, वो माल लेकर के आया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने भी यही जवाब दिया, जिस माल को अल्लाह ने कबूल न किया, नबी ने कबूल न किया, अबू बकर ने कबूल न किया, उमर ने कबूल न किया, मैं उस्मान भी कबूल नहीं करूँगा। जब रिजेक्ट होता है ना बुजुर्गों, तो ऐसे रिजेक्ट होता है, अल्लाह के यहाँ से अगर कबूल नहीं हुआ ना जेब, तो हिंदुस्तान का बड़ा पीर भी आ जाएगा ना, तो जेब से निकालेगा, अगर निकल गया तो स्टेज में आएगा नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से फैसला अगर हो गया, तफसीर इब्ने कसीर में यहां तक है, उसकी तफसीर में एक दूसरी किताब है वहां पर और आगे लिखा है कि उसके बाद उसकी उम्र लंबी हो गई, वो सालबा ज़ईफ हो गया, पहाड़ी के दामन में बड़ा घर है, बकरियों का बड़ा रेवर मौजूद है, जब उन्होंने देखा मेरे माल को नबी ने भी कबूल नहीं किया, अबू बकर उमर उस्मान ने भी कबूल नहीं किया, तो मदीने के पूर्व जवार में गरीबों में ऐलान कर दिया, ओ मदीने के बस्ती के गरीबों मोहताजों मिस्कीनों जितने हो आ जाओ, और आकर सालबा के माल में से जितना चाहो लेकर के जाओ। तमाम गरीब जमा हो गए, अचानक किसी ने यूं कह दिया, इस माल को अल्लाह ने रिजेक्ट किया, इस माल को अबू बकर उमर उस्मान ने कबूल नहीं किया, नबी ने कबूल नहीं किया, तो मदीने के फकीरों ने और मिस्कीनों ने जवाब दे दिया, हम भी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बुजुर्गों तकरीर खत्म, बात समझे, कबूलियत की घड़ी होती है, कबूलियत का वक्त होता है, कबूलियत का टाइम होता है। आज जिस मकाम पर और सरजमीन पर और जिस पिंडाल के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ एक मौका है, वरना उठ जाने के बाद कल सुबह सवेरे जो 500 की नोट है ना जेब में, जो 200 की नोट है ना जेब में, जो 10-20 की नोट है ना, वो किसी दूसरे काम में शाम तक लग जाएगी। 101% 101 वो लग जाएंगे किसी काम में, और अगर यहाँ दे दिए ना, तो वो आखिरत के बैंक में ऐसा बैलेंस बन जाएगा जो हशर के मैदान में अल्लाह निकाल कर फेर देगा, और अल्लाह फरमाएगा उठा तेरा माल लेके जा, उठा दे। इसलिए बुजुर्गो मेरी बात के माँ हसल कि हम आखिरत की तैयारी करें, जिस वक्त नेकी का जो मौका हो फौरन हाथ से उस नेकी को पकड़ लें और अपनी जिंदगी के अमल में आए। आखिरी बात मैं आप हजरात को पेश करूं,
आखिरी बात कि रात को सोने के टाइम आप दो सूरत पढ़ के सोइएगा। कल भी मैंने तीन सूरत बताई थी, वो आज नहीं लौटाऊंगा। दो सूरत पढ़ के सोइएगा रात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुल अऊदु बिरब्बिन नास, है बेटा सबर करो बच्चे, ओ भाई मास्टर साहब एक मिनट अभी माहौल न बनाए, तो हदीस सुन लीजिए। कौन कौन सुन रहे, हाथ उठाए जरा, लेकर जाएंगे आज रात से अमल शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअव्वज़तैन रात को पढ़कर सो। मुअव्वज़तैन का मतलब कुल अऊदु बिरब्बिन नास। माँ और बहनें सुन रही हैं, सुन रही हैं, मैंने मुखातब करने के लिए आवाज लगाया कि कुल अऊदु बिरब्बिन नास और कुल अऊदु बिरब्बिल फलक पढ़ के सोए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कायनात की तगड़ा से तगड़ा, भारी से भारी, मजबूत से मजबूत जादू भी उसके ऊपर असर नहीं होगा। के पास फटते रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह उठने के बाद फलक ये दोनों सूरत पढ़ लो, शाम तक कोई भी जादू का असर बंदे पर नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो दरखास्त की है बुजुर्गों, थोड़ी देर सबर करें, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपके माल को कबूल कर लेंगे, स्टेज वाले कबूल कर लेंगे, जलसे वाले कबूल कर लेंगे, और आज अपने जेब को कबूल करवा के ही जाइएगा, करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे हमारे बेहतरीन मुकर्रर हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब, इमामो खतीब जामे मस्जिद नालासू पारा बम्बई। हजरत की नसीहतों को सुनकर एहसास हुआ कि वाकई हमें और आपको आज से अमल शुरू करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब वक्त की नजाकत देखते हुए माहौल को गरमाने के लिए और अपने सीने में इश्के नबी की जासियत को बेदार करने के लिए मैं ऐसे कीमती शायर, जिसके शेर को सुनने के लिए, जिसकी नात को सुनने के लिए लोग बहुत दिन से मुंतजर होते हैं और बहुत दिन के बाद उसको मौका मिलता है।